हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं और ये बहुत कुरकुरी होती है, टेस्टी होती है। आप इसे स्टोर करके काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। तो झटपट बनने वाली ये मठरी की रेसिपी हम शुरू करते तो हैं। मैंने ये 1/4 कटोरी मूंग की दाल को रात भर भिगो के रख लिया और ये देखो कि ऐसे सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप इसको रात भर नहीं भिगोएं तो कम से कम गर्म पानी में 4 घंटे तक भिगो कर रख दें। अब हम इसे छन्नी में अलग, पानी अलग और दाल अलग कर लेंगे। अब एक बर्तन में हम 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। गेहूं के आटे में हम मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच अजवाइन क्रश करके मिला लेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 8 से 10 करी पत्ता बारीक कटा हुआ डाल लेंगे और हम इसमें कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, स्वाद भी बढ़ जाता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और अब हम 4 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम जो इसमें हमने भीगी हुई दाल है उसको मिला लेंगे और हम 1 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसको हम हाथ से ही मिला लेंगे क्योंकि ये चम्मच से अच्छे से नहीं मिलेगा। और अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमारी दाल है भीगी हुई उसमें पानी है, तो वो पानी आटे में अब्जॉर्ब होगा, उसके बाद हम देखेंगे। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल ठीक लगा है, मोयन इसमें बिल्कुल सही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक टाइट डो बनाएंगे क्योंकि हमारी मूंग की दाल अभी उसमें मॉइस्चर है तो वो अपना मॉइस्चर छोड़ेगी, तो हम बाद में अगर हमारा आटा गीला होगा तो और भी ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो हम इसको अच्छे से टाइट डो मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा हाथ में तेल लूँगी और इसके चारों तरफ लगा के रख लूँगी ताकि ये सूखे ना। अब हम इसको ढक करके 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारा आटा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में अलग निकाल के उसको थोड़ा सा और गूंथ लूँगी। इसको हमें थोड़ी देर 2 मिनट और अच्छी तरह से गूंथना है ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें छोटे छोटे से गोले तैयार करूँगी जिससे कि हम अपनी मठरियों को तैयार करेंगे पापड़ी की तरह। ऐसे ही मैं छोटे छोटे गोले, एक ही साइज के गोलों को तैयार करेंगे हम। तो ऐसी ही और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारी सारी लोइयां तैयार हो गई हैं। अब हम चकले और बेलन, जिसमें भी हम बेल रहे हैं उसमें हल्का सा तेल लगा लेंगे और उसको बेल लेंगे। पतला बेलेंगे हम इसको, जितना पतला हो सके उतना पतला बेलेंगे, तभी ये कुरकुरी और टेस्टी बनेंगी। ये देखिए मैंने कितना पतला बेला है। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे पतली पतली से हम इन सबको बेल के एक साथ रख लेंगे। हम इसे जितना पतला बेलेंगे ये उतने ही क्रंची बनेगी और इसमें जो भी हमने मसाले डाले हैं उसका बहुत अच्छा टेस्ट आए। देखिए मेरी सारी मठरी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस में मैंने तेल गरम करने रखा है, चेक करेंगे तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें एक बार में जितनी हमारी मठरियाँ आएंगी उतनी हम डाल के उसको मीडियम आँच में सेकेंगे। मेरी 4 मठरियाँ एक टाइम पे आ रही हैं तो हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा सा ऊपर से दबाकर। फिर थोड़ी देर में हम इन्हें पलट लेंगे। अब ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिक जाएंगी। ये जब गोल्डन ब्राउन होंगी तो हम इनको निकाल लेंगे। देखिए ये अब हमारी तैयार हो गई हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और पतले होने की वजह से ये फटाफट से सिक जाती हैं। हम पूरा तेल अच्छी तरह से निकाल लेंगे और हम एक नैपकिन लगा लेंगे और उसमें इसको निकाल लेंगे और बची हुई फिर हम दूसरी बार जितनी आती हैं वो डाल लेंगे। इसको हम निकाल के अलग रख लेंगे ताकि तेल हमारा निकल जाए। बस ऐसे ही हम अपनी सारी की सारी मठरियाँ मीडियम फ्लेम में बना लेंगे। देखिए 2 कप आटे से हमारी कितनी सारी मठरियाँ तैयार हो गई हैं। और ये मठरियाँ देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा क्रंची हुई हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हैं ये। अब आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने तक रख सकते हैं, चाय के संग नाश्ते के संग इसको खा सकते हैं।
अब कुछ समय में त्योहार आ रहे हैं, बहुत सारी दिवाली आ रही है, तो आप इन्हें बनाकर उस समय यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।